अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रेन, क्लास फोर इस्लामिक स्टडीज, लेसन फोर, चैप्टर टू, लेसन फोर, द बैटल ऑफ ट्रेंच एंड अदर बैटल्स। द बैटल ऑफ द ट्रेंच इज अ फेमस बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। इस्लाम की तारीख में बैटल ऑफ ट्रेंच एक मशहूर बैटल है। बैटल ऑफ ट्रेंच के माने होता है जंग खंदक, खंदक की जंग। ट्रेंच के माने गढ़ा होता है। इट वॉज वेज टू काउंटर द मिस्चीफ ऑफ द ज्यूज। ये यहूदियों काफिरों के खिलाफ लड़ी गई थी। फॉर दिस बैटल द प्रोफेट हैड ट्रेंच डग अराउंड मदीना। इस जंग को लड़ने के लिए मदीना के चारों तरफ एक गढ़ा खोदा गया था। हेंस द नेम ऑफ द बैटल ऑफ द ट्रेंच। इसी वजह से इस बैटल का नाम बैटल ऑफ ट्रेंच पड़ा। इट इज जस्ट एज फेमस एज द बैटल ऑफ अहज़ाब द कॉन्फेडरेट्स। ये जंग उतना ही मशहूर है जितना के जंग अहज़ाब, बैटल ऑफ अहज़ाब। द डिसबिलीवर्स हैड द सिटी ऑफ मदीना सराउंडेड, बिसीजिंग इट फॉर मेनी डेज। मदीना में रहने वाले काफिर जो थे वो कई दिनों से मदीना के चारों तरफ कब्जा करके रखा था। वन डे हाउएवर देयर वाज अ ह्यूज विंड स्टॉर्म, वन विच ओवरटर्न बोथ द डिसबिलीवर्स टेंट्स एंड देयर रिजॉल्व। एक दिन बहुत तेज आंधी और तूफान आई और काफिरों के टेंट्स जो थे वो बर्बाद हो गए और उसके जो इरादे थे वो भी नाकाम हो गए। विद दिस दे लॉस्ट ऑल करेज एंड फ्लेड बैक टू मक्का। तो इसकी वजह से वो लोग हिम्मत हार गए और फिर मक्का वापस हो गए। द ज्यूज डोमिनेटेड इन खैबर, अ टाउन अ लॉन्ग वे नॉर्थ ऑफ मदीना। ज्यूज यहूदी को कहते हैं, यहूदी कौम को। वो खैबर एक जगह का नाम है, मदीना से कुछ दूरी पर है नॉर्थ की तरफ। वहाँ पे उन लोग की हुकूमत थी ज्यूस की। एवरी ज्यू देयर वाज एन अवोट एनिमी ऑफ इस्लाम। ज्यूस जो था इस्लाम का पक्का दुश्मन था। हर ज्यू, जितना भी यहूदी था, सब इस्लाम का पक्का दुश्मन था। एंगेज इन कंटिन्यूअली बेट्रेइंग एंड डिसीविंग द मुस्लिम। वो हर तरह से मुसलमानों को धोखा दिया करते थे, जुल्म ढाया करते थे, परेशान किया करते थे। Their opposition to Islam was relentless. उन लोगों का सुलूक जो था इस्लाम के साथ बहुत ही बेरहमाना था। और not once did they abate in their opposition. और उन लोग के बेरहमाना सुलूक में कभी किसी तरह की कोई कमी भी नहीं आई। An intense battle in Khyber ensued. The Jews were defeated and expelled from their fortress, which put an end to their aggression. तो वही खैबर के मकाम पे जंग शुरू करते हैं वो लोग, द ज्यूज। लेकिन इस जंग में वो लोग को ही नाकामी होती है और वो भाग जाने पे मजबूर होते हैं और उन लोग का अब इरादा जो है ख़त्म हो जाता है, जंग करने का इरादा। नाउ द सेम पीपल वे आर आस्किंग द प्रॉफिट्स पार्डन एंड एक्सेप्टिंग इस्लाम। अब वही लोग जो जंग करने पे आमादा थे, जो मुसलमानों के दुश्मन थे, अब वही लोग जब नाकाम हो गए, जब हार गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और माफ़ी मांगने लगे और इस्लाम भी कबूल करने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को माफ़ भी कर दिया और जो लोग जाना चाहते थे वो लोगों को अमन के साथ छोड़ दिए, जाने के लिए छोड़ दिए। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्ट्रॉयड द आइडल्स इनसाइड द काबा एंड क्लियर्ड देम आउट ऑफ हाउस ऑफ अल्लाह। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर रखी हुई जितनी मूर्तियां थी सबको निकाल दिए और काबा को मूर्तियों से पाक साफ कर दिए और अब अल्लाह का घर काबा एक बार फिर खास हो गया, पाक साफ हो गया। इन द टाइम लाइन ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री द प्रॉफिट्स अराइवल इन मक्का इज नोन एज द कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का वापस आए तो उनकी दोबारा मक्का में वापसी
कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के नाम से जाना जाता है, मक्का की फतह के नाम से जाना जाता है। फॉलोइंग दिस कॉन्क्वेस्ट अरब ट्राइब्स स्टार्टेड एंटरिंग इस्लाम इन ड्रोव्स, देयर बाई फोर्टिफाइंग इट्स नंबर्स। और मक्का की फतह के बाद मक्का के लोग बहुत तेज़ी से इस्लाम में दाखिल होने लगे और उनकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। द मुस्लिम्स नाउ हैड द एडवांटेज ओवर द डिसबिलीवर्स एंड पॉलीथेइस्ट इन मक्का। अब जो है वो इस्लाम कबूल करने वाले जो मुसलमान हो रहे थे, अब काफिरों का और मुशरिकों का डर उन लोगों के दिल से बिल्कुल निकल गया था। अब वो आराम से वहाँ रह रहे थे। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये कुछ क्वेश्चंस है, उसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज द बैटल ऑफ ट्रेंच वेज्ड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज द बैटल ऑफ ट्रेंच कॉल्ड सो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ओवरटर्न्ड द डिसबिलीवर्स रिजॉल्व्स इन द बैटल ऑफ द ट्रेंच। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉन द बैटल ऑफ खैबर। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज द टाउन ऑफ खैबर। फिल इन द ब्लैंक्स है 1, 2, 3, 4, 5, ये भी कॉपी में करना है। ये दोनों होमवर्क कॉपी में करना है और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर शो करना, सेंड करना।